जनाद किसी दिन अपनी मोहतरम ऑडियंस को ये लेक्चर भी दो कि अपने गली महला अपना पुराना घर छड़ के अपने महल्ले के पुराने गोलगप्पों वाली रेहड़ियां और लड्डू पीठियां वाले और लड्डू खटियाई वाले और आग वाला चूरन जो तोता पकड़ाता है जिसकी पूड़ी, वो सब कुछ छोड़ के तो पौश इलाकों की तरफ नहीं जाना चाहिए, ये भी यार जरूरी है। प्यारे भाई, पहली बात तो ये है कि मैं लेक्चरर नहीं हूँ, और दूसरी बात यह है कि अगर मैं लेक्चर देना भी चाहूं तो इस मौजू पर मैं लेक्चर नहीं दे सकता। क्यों जी? इसलिए कि मैं इस बात से इत्तफाक ही नहीं करता। चलो, मैं अगर रिक्वेस्ट कर ही बैठा हूं लेक्चरर साहब से लेक्चर देने के लिए, तो उन्होंने पहले तो रिजाइन दे दिया कि मैं लेक्चरर नहीं। उसके बाद उन्होंने तू तू मैं का मूड बना लिया है अय्यू जी के साथ, जो पीछे हटने वालों में से नहीं है। अय्यू जी ने पीछे हटा कभी बहस में? महल्ले में एक दफा पंचायत में मेरी बहस शुरू हो गई थी। अच्छा। वो जो चौधरी था पंचायतिया, उसके साथ। अच्छा। मुझे लोगों ने कहा जी अब बोला ना तो तुम्हें फैंटी पड़नी है, तुम बता दे। फिर? बस फिर लगाई फैंटी उन्होंने बड़ी राज के पीछे रिमाटा ना। इसलिए भाई जी, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये बड़ी अहम और बड़ी सच्ची बात है। अपना घर अपना पुराना मल्ला छोड़ के बिल्कुल नहीं कहीं मूव करना चाहिए। मेरे भाई, तुम्हारे नजदीक ये बात ठीक हो सकती है कि किसी सूरत में भी अपना पुराना मोहल्ला पुराना घर नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन मेरे नजदीक ये बात दुरुस्त नहीं है। अगर नागुजीर हो, अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी हो कि आप किसी भी पॉश एरिया में जा सकते हो, नया घर बना सकते हो, और वहां रहना आपके लिए मुश्किल हो जाए, और मेरा ख्याल है कि ये फैसला कर लेना चाहिए। अल्लाह ने अगर तौफीक दी हो और आपको अगर फैसला करना पड़ जाए, अपनी तरफ से मुझे हटाना चाह रहा है रास्ते से, नहीं हटूंगा मैं, तुम्हें बता दू मैं नहीं हटता पीछे। दलील से बात करो। मैं तो अपने दरवाजे के आगे जाके खड़ा होकर दरवाजा खड़काता हूँ ना, दरवाजा हमारा बाहर की तरफ खुलता है। अच्छा। ऊपर जाए तुम्हारी बाहर की तरफ दरवाजा खोलती है, मैं नहीं पीछे हटता, मुंह पे बजे पावे दरवाजा, पीछे नहीं मैं हटता। ये मेरा को मुंह वड्डा नहीं है, ये सोच पड़ी हुई है दरवाजा वाजे वाजे। ये सोच है, मैं समझता था इसमें सोच है। और सोच है भाई, सोच है। जिनके बुए बाहर को खुलते हैं उनके पास सोचे कहाँ से आ रहे। तो आप भी बगैर जरूरत के बार बार भी खोलती होंगी फिर। यार गेम तो फिर बढ़ी जाती है इस तरह। यार मैं तुम्हें सही कह रहा हूँ, देखो ये मौजू छोड़ दो प्लीज, तुम्हारे पास इस हवाले से कोई दलील नहीं होगी, इसलिए अगर तुम इसको तू तू मैं का जबरदस्ती मौजू बनाना चाह रहे हो तो ये ना करो, कोई और मौजू चुन लेते हैं। यार खुदा के वास्ते 35,000 दलीलें हैं मेरे पास। काका जो छोटा बच्चा होता है, जो रिड़ता है अभी बेचारा, वो रिड़ता रिड़ता बाहर आ जाए थड़े के ऊपर, पुराना मल्ला हो फौरन अगले दरवाजा खड़का के काका पकड़ा देते हैं। तो वहां जहाँ तुमने नए इलाके में जाना है वहां पर भी ये माहौल पैदा कर लो, हमसायों से दोस्ती कर लो। और दूसरी बात ये है कि अगर एक काका रिड़ता रिड़ता बाहर चला जाए फिर तो ठीक है, अगर उसी घर में 35 काके हो जाए फिर क्या किया जाए? नहीं तो 35 काके भी रिड़ते रिड़ते बाहर आएंगे तो 35 बंदे हैं मल्ले में, वो फौरन टली जाएंगे। मेरे भाई, जब घर छोटे पड़ जाए, मोहल्ले तंग पड़ जाए, तो बस्तियां यूं ही फैल जाती है, आप बंद नहीं बांध सकते। यार उसी घर के ऊपर कमरे डालो। कितने कमरों के ऊपर कमरे डालने? 35 मंजिलें डालनी है, मुमकिन नहीं होता यार। 35 मंजिलें डाल लो, आसमान कौन सा हमारे मले में नीमा है। मेरे भाई, बजाय ये कि आप कमरे के ऊपर कमरा डालते चले जाएं, आप किसी नए इलाके में शिफ्ट हो जाएं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो नया इलाका भी, वहां पर भी इंसान ही रहते हैं। ओ भाई जान, जब आप पुराने मोहल्ले में रह रहे होते हैं, आपके पुराने जो हमसाए होते हैं, मोहल्लेदार होते हैं, वो छह छह पुश्तों से आपके साथ रह रहे होते हैं। ठीक है, उन लोगों को आपके बच्चे से लेके छोटे काके से लेके आपके परदादे तक की वाकफियत होती है, आपको वो जानते होते हैं इस तरह। हाय हाय हाय, देखो यार मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ये जो है ना, ये दलायल बहुत अब पुराने और बोगस हो चुके हैं, फरसूदा हो चुके हैं कि उसी मोहल्ले में रहना चाहिए। मोहल्ले की घरों की एक कैपेसिटी होती है, आप इस कप में यहाँ तक ही चाय डालोगे ना, उससे ज्यादा कैसे चाय डालोगे? मुमकिन ही नहीं होगा। देखो मोहल्ले, एक मोहल्ले में अगर 100 लोगों के रहने की गुंजाइश है, आप जितना मर्जी उसमें ठोंसते चले जाएं, आखिर एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। यार क्या बात कर रहे हो तुम, 100 बंदा हो जाए, 100 उधर,
बुजुर्ग फौत भी तो होते रहते हैं, वैकेंसियां खाली भी तो होती रहती हैं। लेकिन जिस तनासब से वैकेंसियां खाली हो रही हैं, बुजुर्ग फौत हो रहे हैं, उससे दुगनी रफ्तार से नए मेहमान आ रहे हैं। और यार थोड़ी बहुत मुश्किल तो होती है, मगर यह भी तो सोचो ना, खुशी गमी में आपके मल्लेदार आपका साथ देते हैं, आप कहीं और शिफ्ट हो जाए, वहां पे कोई ना आपको जानता होता है, आपकी खुशी कमी में हिस्सेदार नहीं बनता। बिल्कुल यही दलील मेरी है। चलो बस ठीक है, फिर अगर मेरी दलीलों के सहारे ही बहस करनी है तो फिर मैं जीत गया ना। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे तुम कह रहे हो कुछ मुश्किल तो होती है, मैं ये कहता हूँ कि कुछ जज्बाती मुश्किल तो होती है अपना पुराना मोहल्ला छोड़ते हुए, लेकिन नागजीर हो जाए तो छोड़ देना चाहिए। बहरहाल नागजीर तो कभी भी नहीं होता। नागजीर होता है, क्यों हो जाता है? हो जाता है, कैसे तुम बात कर रहे हो यार? एक घर में 30-35 अफराद नहीं रह सकते भाई। नाजरीन, इसकी बहस वही अड़ी हुई है कि 30-35 अफराद, 30-35 अफराद, पता नहीं ये कौन सा पोल्ट्री फार्म देख रहा है। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, ऐसे अपने तौर पे सेगमेंट ना खत्म कर दो, पहले मेरी फतह का ऐलान करो। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, चलो ठीक है। एक मिनट ठहर जो, तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि क्या मोहब्बतें कायम रखने के लिए एक घर में रहना, एक मोहल्ले में रहना जरूरी है? बिल्कुल बिल्कुल, एक घर में रहना जरूरी है, आंखो जल पहाड़ो जल। नहीं यार, जदीद जिंदगी है, रابطے इतने तेज हो गए कि आप 24 घंटे रابطے में रहते हो भाई। अब मैं क्या इसके साथ बहस करूं, मुझे यकीन है कि इसको आंखो जल पहाड़ो जल का मतलब भी नहीं आता। अजीज साहब, मुझे लगता है कि आपको ये डर है कि जब आप शिफ्ट कर जाएंगे तो आपका ताल्लुक अपने मोहल्लेदारों से खत्म हो जाएगा। ऐसा तो आपको कोई नहीं कह रहा, आप रखिए उनसे ताल्लुक। बहुत अच्छे, यानी 15-20 मील से बंदा ताल्लुकात बनाने के लिए आए, बहुत अच्छे, यानी पेड़े कहीं करो और रोटियां लुवाने कहीं और जाओ। वाह जी वाह, इसने कभी नहीं मानना, छोड़ दो इसको इसके हाल पे। नाजरीन, मैं जीत चुका हूँ। नाजरीन, हम लेते हैं एक छोटा सा वक्फा मेरी फतह के साथ।